खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह से एक बार फिर मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया रेसिपीज, बहुत ही आसान रेसिपीज बताने वाला हूँ। आज की जो रेसिपीज हैं वो आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी समय बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे एक प्रॉन की डिश से। प्रॉन इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए कि आप सब लोगों को प्रॉन्स बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे खत ऐसे आते हैं जिसमें लिखते हैं कि आप इस तरह का प्रॉन बताइए, ऐसे बताइए, वैसे बताइए। खैर देखिए, अभी फ्राइड प्रॉन्स, इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मीडियम साइज प्रॉन्स, आधा कप राइस फ्लावर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, कोकम जूस दो बड़े चम्मच, और तलने के लिए तेल। जैसे कि आपने इंग्रेडिएंट्स में देखा कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इसमें प्रॉन का टेस्ट ज्यादा और बाकी चीजें कम होंगी। वैसे मैंने प्रॉन्स में, फ्राइड प्रॉन्स में आपको गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स बताए थे, उसको बनाने का तरीका दूसरा था, फिर चाइनीज तरह से आपको मैंने बताए थे, लेकिन ये जो है एकदम हिंदुस्तानी है और बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सबसे पहले प्रॉन्स ले लें, अच्छे ताजे प्रॉन्स लें, उसको छील लें और चीरा लगाकर साफ कर लें उसे, और उसके बाद आप इसमें कोकुम का जूस, यानी कोकुम को कुछ देर पानी के अंदर भिगो के उसका रस निकाल लें। यदि कोकुम आपको नहीं मिलता है तो नींबू का रस ले लें आप, और उसके बाद इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालकर इसे करीब 15 मिनट तक आप इसी तरह से रख दें। इसके बाद आप राइस फ्लावर ले लें। वैसे जब भी हम फ्राई करते हैं कोई चीज को, तो कोई ना कोई इस तरह की चीज ली जाती है जिससे उसकी कोई कोटिंग आ सके, ताकि जितना मसाला है वो प्रॉन्स या फिश या चिकन, जो भी चीज हम फ्राई करते हैं, उस पर रह सके। जैसे हम बेसन लेते हैं, मैदा लेते हैं, यहां पर राइस का फ्लावर लिया है, यानी चावल का आटा। राइस फ्लावर ले लें और अब इसमें मिक्स करें हल्दी, जीरा, और ये प्रॉन खाने का मजा तभी है जब आप इसे थोड़ा तीखा बनाएं, तो इसलिए इसमें आप डालें लाल मिर्च पाउडर, और इन सब चीजों को मिक्स करें। थोड़ा सा नमक डालें, ध्यान रखें पहले भी आपने नमक डाला था, नमक डालें और इन सब चीजों को एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यानी राइस फ्लावर में जितने मसाले हैं सब डालें इस तरह से, और मिक्स करने के बाद एक कढ़ाई में आप तेल गर्म होने के लिए रख दें, और अब इसके बाद ये जो प्रॉन्स हैं इसे आप इसके अंदर डालें, इसे मिक्स कर लें। ये राइस फ्लावर में जिसमें हमने मसाले डाले हैं उसमें इन प्रॉन्स को इस तरह से मिक्स कर लें। और अब इसे आप गर्मा गर्म तेल में फ्राई करें। देखिए कितना सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन जो प्रॉन्स ये बनेंगे काफी टेस्टी बनेंगे। तेल गर्म है, आप इसमें प्रॉन्स डालें, गर्मा गर्म तेल के अंदर प्रॉन्स को फ्राई करना है हमने, और इन प्रॉन्स को बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं हमने करना, क्योंकि इसमें हमने राइस फ्लावर लगाया है इसलिए काफी क्रिस्प प्रॉन्स होंगे ये। और अब इन प्रॉन्स को आप निकाल लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसको आपने बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। गर्म तेल में जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए, यानी इसका जो रंग है वो इस तरह का हो जाए, तब आप इसको निकाल लें और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डालकर गर्मा गर्म खाएं ये फ्राइड प्रॉन्स। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मीडियम साइज प्रॉन्स, आधा कप राइस फ्लावर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, कोकम जूस दो बड़े चम्मच, और तलने के लिए तेल। सबसे पहले प्रॉन को साफ कर लें, इसके अंदर कोकम का रस डालें, इसमें नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर रख लें। इसके बाद राइस फ्लावर यानी चावल का आटा ले लें, उसमें हल्दी,
जीरा पाउडर, लाल मिर्च डालें और इसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर नमक डालें और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें प्रॉन डालें और इन प्रॉन्स को इस चावल के आटे में जिसमें हमने मसाले मिलाए हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और गर्मा गर्म तेल में प्रॉन को फ्राई करें और करारे होने पर इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें।